Hello friends, today we are discussing a very easy chapter, an important chapter of BCom SEM 2, subject financial account. Name of chapter is underwriting commission. आज हम underwriting commission, जब आप गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर लिखने जा रहे हो तब उस वक्त इस चैप्टर की कौन सी इम्पोर्टेंट एंट्रीज, कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स आपको याद होने चाहिए, उसका हम एक क्विकली रिवीजन करने वाले हैं। आप देख रहे हो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि सम इज सॉल्व इन फॉलोइंग स्टेप्स, ये जो चैप्टर है अंडररैटिंग कमीशन, उसका 14 मार्क्स का सम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। वो सम आप कौन से स्टेप में सॉल्व करेंगे, उसको हम पहले डिस्कस करने क्या जा रही है, कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको इश्यूड शेयर्स, कितने शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने, वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद इश्यूड प्राइस, वो कितनी है, कितने इश्यू प्राइस से शेयर्स इश्यू होते, वो इंफॉर्मेशन में से चेक करना है। थर्ड पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या है, क्रेडिट गिवन और नॉट गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है पेपर में, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्रेडिट गिवन से सम सॉल्व करना है या क्रेडिट नॉट गिवन से सम सॉल्व करना है। फर्म अंडरराइटिंग, उसके रिगार्डिंग क्रेडिट गिवन लिखा है या क्रेडिट नॉट गिवन, वो आपको नॉर्मली एग्जाम्पल की इंफॉर्मेशन जब ख़त्म होती है लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में ये सेंटेंस वहाँ पे लिखा होता है, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्रेडिट गिवन से सम सॉल्व करेंगे या क्रेडिट नॉट गिवन से। नेक्स्ट क्या सोचना है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करनी है मार्क एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन में से टोटल कितनी एप्लीकेशन एज अ मार्क एप्लीकेशन मिली है कंपनी को, उसका एक कैलकुलेशन करना है। मार्क एप्लीकेशन के बाद होता है अनमार्क एप्लीकेशन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडररराइटर्स, एंड लास्ट में जनरल एंट्रीज आपको लिखनी होती है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो अंडररराइटिंग कमीशन, उसका सम आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके ये स्टेप्स है। यही ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में आपको धीरे धीरे पेपर में, एग्जाम में सम सॉल्व करते जाना है। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, कौन से स्टेप्स में अंडररैटिंग कमीशन का सम सॉल्व करेंगे वो तो आपको पता चल गया। अब जब सम सॉल्व करते हो आप, तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, याद होने चाहिए उस वक्त पेपर में, एग्ज़ाम में, उसको भी अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑथोराइज शेयर्स, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है और दूसरा इश्यूड शेयर कैपिटल होता है। आपको याद रखना है जब भी सम में ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल दी होगी, उसका यूज़
हमें सम्मेय कभी करना नहीं है, उसका यूज होना नहीं चाहिए। सो याद रखना है, ऑथोराइज्ड सेड्स उसका हमें यूज करना नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन में दिया होगा, उसमें से वर्किंग होगी एक, लेकिन ऑथोराइज्ड सेड्स कभी कहीं पर भी सम्मेय लिखा जाता नहीं है। ओके, ऑथोराइज्ड सेड में से हमें करना क्या है? ऑथोराइज्ड सेड्स में से आपको इश्यूड सेड्स फाइंड करने हैं। जैसे कि कंपनी के ऑथोराइज्ड सेड्स 1,00,000 है, 1,00,000, और उसमें से कंपनी ने 60% शेयर इश्यू की है पब्लिक में, तो 1,00,000 उसका 60% 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स वो है इश्यूड शेयर्स, और उसी के बेस पे आगे अंडरराइटिंग कमीशन का सभी वर्किंग होता है। सो बहुत सिंपल रूल है कि सर, ऑथोराइज्ड शेयर्स अगर सब में है तो उसका हमें यूज करना नहीं है, वो शेयर कहीं पर भी लिखा नहीं जाता है। सेकंड है, नेक्स्ट है इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस क्या है? तो इश्यूड प्राइस कुछ नहीं है। इश्यू प्राइस कैसे मिलेगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर मैं फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करता हूं तो मुझे कौन सी प्राइस मिलेगी? इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू जो उसकी बेसिक वैल्यू है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू है। नंबर 4, भाई रेट ऑफ कमीशन इज नॉट गिवन। अगर सम में अंडरराइटिंग कमीशन के परसेंटेज दिए नहीं है, हाउ मच अंडरराइटिंग कमीशन इज गिवन बाय कंपनी टू अंडरराइटर्स, वो अगर दिया नहीं है तो हमें क्या याद होना चाहिए? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, मैक्सिमम बोल रहा हूँ समझना, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप कमीशन दे नहीं सकते हो। सो मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन क्या है? अगर इक्विटी शेयर का सम है, अगर इक्विटी शेयर का सम है तो 5% ऑन इश्यूड प्राइस, राइट? अगर इक्विटी शेयर का सम है तो इक्विटी शेयर का सम होगा तो इश्यूड प्राइस का 5% कमीशन आप मैक्सिमम दे सकते हो। अगर डिबेंचर का सम है, अगर डिबेंचर का सम है तो 2.5% ऑन इश्यूड प्राइस। तो बहुत सिंपल रूल है दिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल रूल्स है, इजी है। इक्विटी शेयर का सम है तो 5%, और अगर डिबेंचर का सम है तो 2.5%। रेट ऑफ कमीशन लिखा नहीं होगा तो आपको ये याद रखना है। अब दोनों में नोटिस करना, ये जो परसेंटेज है ना, इश्यूड प्राइस का फाइंड होता है, और इश्यूड प्राइस मैंने ऊपर बता दिया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। नाउ रूल नंबर 5, हाउ टू कैलकुलेट अंडर राइटिंग कमीशन। अब ये रेट ऑफ कमीशन तो पता चल गया, लेकिन कौन सी फॉर्मूला से आप अंडरराइटिंग कमीशन काउंट करेंगे? तो भाई अंडरराइटिंग कमीशन काउंट करने की एक फॉर्मूला है। कैसे काउंट करेंगे? ग्रॉस लायबिलिटीज इनटू इश्यूड प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो हाउ टू कैलकुलेट अंडरराइटिंग कमीशन, आप कमीशन कैसे काउंट करेंगे? तो फॉर्मूला याद रखो, ग्रॉस लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय इश्यूड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। क्वेश्चन डाउट माइंड में क्रिएट होता है, सर ये ग्रॉस लायबिलिटीज क्या है? सो नेक्स्ट है नंबर 6, ग्रॉस लायबिलिटीज एंड नेट लायबिलिटीज।
दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर अंडरराइटर टोटल जितनी जितने शेयर्स परचेस करने की गारंटी देता है, अंडरराइटर्स गिव अ गारंटी फॉर दोज टोटल इक्विटी शेयर या डिबेंचर, वो पूरी लायबिलिटीज को हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज क्या है? अंडरराइटर को जितने शेयर्स लास्ट में परचेस करने पड़ेंगे उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटीज। दोनों का डिफरेंस शॉर्ट में बता देता हूं। ये टोटल गारंटी है अंडरराइटर्स की इतने शेयर की, और ये जितने शेयर उनको परचेस करने हैं। तो ग्रॉस लायबिलिटीज एंड नेट लायबिलिटीज दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट गिवन और नॉट गिवन इज नॉट मेंशन। सो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्रेडिट गिवन से सम सॉल्व करेंगे या क्रेडिट नॉट गिवन से, तो उसका रूल याद होना चाहिए। अगर गिवन नॉट गिवन मेंशन नहीं किया है, बताया नहीं इन्फॉर्मेशन में, तो आपको याद रखना है एट दैट टाइम सम सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट इज नॉट गिवन। तो आपको वो सम कैसे सॉल्व करना है? क्रेडिट इज नॉट गिवन, ये एक एजम्पशन, ये हम एक धारणा कर लेंगे, इस बेस पे आपको पूरा सम फिर सॉल्व करना है। सो पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलना नहीं। अब जनरल एंट्रीज जो 8 पॉइंट है, अंडरराइटर कमीशन का जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है, जिसको अंडरराइटर मींस जनरल एंट्रीज बोला जाता है। टोटल फाइव एंट्रीज है। फर्स्ट ए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑब्लिक डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे नोटिस करना, जब भी आपको एप्लीकेशन मनी मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट करना है, और साथ में इक्विटी शेयर कैप शेयर एप्लीकेशन या डिबेंचर्स एप्लीकेशन क्रेडिट करना है। अगर वो शेयर का सम है तो शेयर्स लिखेंगे, अगर वो डिबेंचर का सम है तो डिबेंचर लिखेंगे। बी, नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी? ये जो लास्ट में क्रेडिट किया था वो डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बराबर, ऊपर जो क्रेडिट किया था वो यहां पे डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज डिबेंचर्स अकाउंट। शेयर है या डिबेंचर है वो सब में देखना है, उसी तरह तरीके से वर्ड्स हमें यूज करने हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम से अगर शेयर इश्यू हुए हैं तो आपको प्रीमियम की अमाउंट अलग से बतानी होगी। दिस इज अवर सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट टू एंट्री आपने ये 12th में समझ कर आए थे, शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में, ये दो एंट्री नई नई है। थर्ड से हमारे चैप्टर की एंट्री शुरू होती है, शेयर्स परचेज बाय अंडरराइटर्स। जब अंडरराइटर्स शेयर्स परचेज करते हैं
तो पहले तो कौन से शेयर परचेज करने हैं, ग्रॉस लायबिलिटीज या नेट लायबिलिटीज, डिस्कस कर दिया। ऑलवेज जितनी नेट लायबिलिटीज आएगी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेट लायबिलिटीज। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, हमें कौन से शेयर्स यूज करने हैं, जितने नेट लायबिलिटीज में शेयर्स आएंगे उतने ही। अब एंट्री क्या है, अंडर राइटर्स को शेयर परचेज करने हैं, सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑब्लिक डिबेंचर्स अकाउंट, साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिस इज द अवर थर्ड एंट्री, अंडर राइटर जब शेयर परचेस करेंगे। डी, अंडर राइटिंग कमीशन इज पेएबल टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को जब कंपनी कमीशन देनी है, देने वाली है, देना नहीं है, पेएबल लिखा है, बराबर कितना देगी कमीशन उसकी एंट्री है। सो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, हमें कमीशन देना किसको है, अंडर राइटर्स को, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। दिस इज अवर फोर्थ एंट्री। अब यहां पे समझना, अंडर राइटिंग कमीशन कैसे काउंट करेंगे, भूलना नहीं, रूल नंबर 5 में समझा दिया। अंडर राइटिंग कमीशन कैसे काउंट होता है, ग्रॉस लायबिलिटीज इनटू इश्यूड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। अब रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन यहां पे बता दिया, अगर मेंशन नहीं किया है तो इक्विटी शेयर पर 5%, डिबेंचर्स पर 2.5%। लास्ट फाइनल एंट्री, नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम अंडरराइटर्स। जब अंडरराइटर्स नेट अमाउंट कंपनी को देते हैं, यहां पे लिखा है रिसीव्ड, सो कंपनी को ये पैसे मिलेंगे, तो यहां पे जब हमें पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसे कौन देता है, अंडर राइटर्स अकाउंट। अब ये जो लास्ट एंट्री है ना, नेट अमाउंट मिलेगी कैसे, सर वो तो बताना पड़ेगा आपको, चलो बता देते हैं। नेट अमाउंट कैसे अकाउंट होती है, जनरल एंट्री थर्ड माइनस जनरल एंट्री फोर। सो यहां पे मैं लिखता हूं जनरल एंट्री सी माइनस जनरल एंट्री डी, पता चल जाएगा आपको। थर्ड एंट्री में से फोर्थ एंट्री माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो आपको लास्ट अमाउंट में, लास्ट एंट्री में बताना है। सो ये जितने भी पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम के वक्त ओरली याद हो गए हैं तो समझ लेना आपका सम 100% सही होगा, गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था आपको अंडर राइटिंग कमीशन वाले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाला है। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो अंडर राइटिंग कमीशन, उसके जो इम्पोर्टेंट सम्स है, थियरी आप समझ गए कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में आपको ये सब कुछ याद रखना है एग्जाम के वक्त, अब उसको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, रिवीजन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, ऐसे इम्पोर्टेंट सम्स जिसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय योर लाइफ।
एंड भारत माता की जय।